मनोज काका जी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि सरकार जो है वो भोले बाबा को बचा रही है क्योंकि एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है? मनोज काका, नहीं, सरकार किसको बचा रही है किसको बचा नहीं रही है, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, जो घटना घटी, सरकार हर मुद्दे पर, सरकार सुरक्षा के मायने पर इसलिए फेल है कि जब 2 से 2.5 लाख लोग रहे तो सरकार की जो एलआईयू होती है, माननीय विधायक जी बैठे हैं, इनको पता है क्या एलआईयू के अफसर को जहां कहीं भी 200 लोगों की 100 लोगों की भी सभा होती है तो वहां सरकार का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिला प्रशासन का एलआईयू का अफसर होता है, तो क्या एलआईयू का अफसर कप्तान को सूचना नहीं दिया कि यहां 80,000 की परमिशन ले गई थी और 2.5 लाख लोग हैं, या क्या कर रहा था आपका एलआईयू का अफसर या आपका कप्तान, जैसे पूरे 75 जनपद के कप्तान है, कि कोई भी घटनाएं हो जाती हैं, घटनाओं के बाद जांच करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में उसी हाथरस में एक बेटी को रात को 2 बजे जलाने के लिए आपने 2000 फौज का इंतजाम कर दिया, लेकिन 2.5 लाख लोग जब पहुंचे तो वहां सिर्फ आपकी 40 फोर्स गई। तो आप अपनी जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जो हुआ हुआ, उसके बाद भी घड़ियाली आंसू बहाने से आप लोगों को फुर्सत तो आती नहीं, क्योंकि हृदयहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हो। 125 परिवारों का पूरा भविष्य उजड़ गया, लेकिन आपका क्या है, आप एक छोटे मोटे मुआवजा का घोषणा कर देंगे और अपनी पीठ थपथपाने लगेंगे। सवाल यह है कि 2.5 लाख लोग पहुंचे तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, और आपको कैसे सूचना नहीं मिली कि यहाँ 2.5 लाख लोग पहुंच गए हैं? आज तो एक फोन कॉल से दूसरे की, अभी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक झंडा करे, एक विरोध की एक बात करे, अभी एबीवीपी के एक पत्रकार पर आपको मुकदमा करने में 1 मिनट नहीं लगा, लेकिन जो दोषी लोग हैं उनको बचाए रखना है, आपको बनाए रखना है, क्योंकि हर तरह के पाखंड का स्वयं भारतीय जनता पार्टी इस देश में पाखंड की पूजक है बीजेपी, ठीक है, तो वो पाखंडियों को बचाए ही रखना चाहते हैं। मनोज जी, सवाल तो ये है, क्योंकि इस पैनल में आप तीन जो है वो नेता है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व। एक सेकंड, पूरा समय आपको दिया, रुक जाइए ना, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि आपकी तरफ से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जमकर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मैंने सवाल भोले बाबा को लेकर पूछा था। ये भोले बाबा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सुर कमोबेश एक जैसे ही हैं क्या? वो नरमी वाले सुर भोले बाबा को लेकर, ये मेरा सवाल है सर। मतलब वो जो एफआईआर होती है उस एफआईआर में भोले बाबा का कहीं नाम नहीं है, और भोले बाबा को लेकर एक बार आपने तो कम से कम मनोज काका जी ने बोला कि हाँ सबसे पहले भोले बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और बीजेपी ने दिखाई थी तस्वीरें सर भोले बाबा के सत्संग में, आप ही की पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी, इसलिए सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर जवाब दीजिए सर, भोले बाबा को लेकर पक्ष विपक्ष मिले हुए क्या जी? अच्छा, तस्वीरें हो जाने से आदमी अपराधी को बचा? आसाराम के साथ किसकी तस्वीरें हैं? राम रहीम के साथ किसकी तस्वीरें हैं? आसाराम तो इस देश में बेटियों के बलात्कार के बाद उसकी बर्बर हत्या का दोषी है, और उसकी नरेंद्र भोले बाबा पर बोलिए ना सर, भोले बाबा पर बोलिए, भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि जो भी दोषी है, नहीं भोले बाबा का नाम लेने में क्या दिक्कत है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। ये सरकार एफआईआर करेगी कि एबीवीपी करा? नहीं, आप मैं बार बार आप नाम ले रही हैं, पूरा देश नाम ले रहा है, हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन आपको योगी का नाम लेने में क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ जी फेल हैं, इतना सवाल आप करिए। कानून, लॉ एंड ऑर्डर का प्रबंधन करना आपका काम है, हमारा काम है सर। मैं तो कानून व्यवस्था को लेकर सर यूपी सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आप बैठकर इतने हमदर्द जो बन रहे हैं हाथरस के पीड़ितों के लिए, वो हमदर्दी सर न्याय तो तभी मिलेगा ना जब असली दोषी जो हैं उनमें से कोई नहीं छूटेगा। ऐसे में महत्वपूर्ण जो जाता है क्या वो भोले बाबा का नाम नहीं होता है? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार भोले बाबा पर नरमी क्या पक्ष विपक्ष एक ही जैसा नजर आ रहा है इस मामले पर? ये मैं अपने दर्शक को दिखाना चाहती हूँ, उसको समझ में आए कि आखिरकार राजनीति किस स्तर की हो रही है इस देश में। बोलिए भोले बाबा को लेकर आपका रुख क्या है, आपका रवैया क्या है, आपकी मांग क्या है, बताइए ना। ये यहाँ पर योगी सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, पुलिस का काम है, आप भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। 25 लोगों के मौत का जिम्मेदार मैं पल्ला क्या झाड़ रहा हूँ? हम लोग पल्ला क्या झाड़ रहे हैं? ये तो प्राथमिक बात है, ये कौन नहीं जानता? कानून व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं कि नहीं? यही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ। अच्छा। और यही पूछिए जो प्रतिनिधि बैठे हैं बीजेपी के। ठीक है,
कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की, आपसे ये ना पूछा जाए कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम क्यों नहीं होना चाहिए, आप उस पर चुप्पी रखेंगे, आप नहीं मांग करेंगे कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम हो, आप ये मांग नहीं करेंगे, है ना, ये मांग नहीं करेंगे आप, वोट बैंक जोड़ रहा है इससे आयोजक थे सभी पर होना चाहिए, जिन लोगों ने इस तरह का आयोजन किया, प्रबंधन नहीं हुआ, उन सभी पर एफआईआर होनी चाहिए, जिन लोगों ने जो भी आयोजक थे यहाँ पर, वो जो सर आपकी मजबूरी है ना, वो साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है, जाहिर सी बात है आप विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष जो सत्ता में है उस पर आप आसानी से निशाना साध रहे हैं सर, आसान है ना सर ये करना, ये तो आपकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो भोले बाबा और उससे अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स जुड़ जाती है तो उस मामले पर सर आपका मुंह नहीं खुलता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।